हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होंगे। सो आज डेट है 13। हाँ, 13 अगस्त, और अभी बज रहे हैं रात के 10:30, लाइक समथिंग 10:45 होने वाले हैं। और मैं नाइट में बैठ के वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैं ये वीडियो ऐसा है जो मैं सिर्फ रात में बना सकती हूँ, क्योंकि टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है 10 के बर्थडे प्रेजेंट्स का, जो आप लोगों को मुझे दिखाना है। क्योंकि अगर उसके सामने मैं दिखाती तो ना तो मैं ठीक से एक्सप्लेन कर पाती और ना ही मैं आपको ठीक से बता पाती किसने क्या दिया है। क्योंकि जब हम कोई भी काम फोकस से करना चाहें, कोई आसपास हो तो ना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। सो मैं बता दूं आप लोगों को, गिफ्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले दिखा देती हूँ ये एक लाइट, जो कि मैं अपने बर्थडे ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, ये किटी का है, किटेन किटेन का लाइट है। एंड ये चार्जेबल है, चार्ज हो जाता है ये इस तरीके से। तो ये गिफ्ट दिया है मैंने, वन क्योंकि मेरी बेटी 3 इयर्स की हुई है, एंड सेकेंड पापा पिक का क्लॉक। टू ये मेरे तरफ से दो हैं, एक और है मैं दिखाऊंगी, बट मैं इनकी ये चीज़ पहले दिखा चुकी हूँ दोनों चीज़ें। तो इनके इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, देख लीजिएगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि मुझे इसके लिए कमेंट आया था कि इतनी छोटी बच्ची को कौन देता है, बट आपने सोचा होगा कि बाद में डेकोरेशन के काम आ जाएगा। तो ये मेरे काम नहीं आएगा, ये ट्रूबी के ही काम आएगा, आगे स्टडी टेबल पे ही उसके काम आएगा। और मैं अभी से मुझे मेरा शौक है उसके लिए कि हर चीज़ मैं करूं। तो वो अब बड़ी हो रही है, ये तो नहीं छोटी होगी, बड़ी हो रही है, तो सारी चीज़ें उसे इन फ्यूचर लगने वाली है। तो मैं उसको खेलने के लिए नहीं देती हूँ, अब मैं रख रखी हूँ। जैसे मेरे पास भी मेरे एक मैं जब छोटी थी, लाइक 6-7 साल की थी, तब मेरी बुआ ने मुझे एक पिगी बैंक दिया था, कैप का। कभी होगा तो मैं दिखाऊंगी, देखा भी आप लोगों ने। तो वो मुझे मेरी बुआ ने दिया था, लेकिन अभी तक मेरे पास है। सोचो मेरा भी बच्चा हो गया, तब तक अभी मेरे पास है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम रखते हैं संभाल के। तो इसी तरीके से मैं उसकी सारी चीज़ें रखूंगी संभाल के, और उम्मीद करती हूँ जब बच्चे थोड़े से बड़ी हो जाएगी वो, तो उसकी चीज़ें रहेंगी तो अच्छी लगेंगी, और टूट भी गई तो मैं और मंगा लूँगी। तो यही रीज़न था उसको, इसलिए मैंने उसको गिफ्ट में दिया। तो ये मेरे दो गिफ्ट हो गए, मेरे गिफ्ट आप बाद में मनेंगे। तो एक गिफ्ट उसको ये मिला है, डॉल सेट, जो उसने खोल दिया है ऑलरेडी। और ये एक डॉल है, उसकी मम्मा है, उसके ड्रेसेस हैं। तो ये ऊपर में काकी माँ रहती हैं, उन्होंने दिया था, जो आपने फोटो में देखी होंगी ब्यूटिस में। ओके, एंड उसको एक मिला है टेडी, जो इसमें बंद है कवर में। अच्छा, ये कवर में बंद है तो ठीक है। एंड मुझे जो क्यूट सा गिफ्ट 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 सारे ही बहुत अच्छे हैं। एक मिला है ट्रूबी को ये बैग यूनिकॉर्न का, जो यूनिकॉर्न का इस पे एक स्टिकर है पूरा में, और ये वही वाला वैसे में ही बैग है जो मेरे पास है ना, ऐसे में माँ लेगी कि बच्ची लेगी समझ ही नहीं आएगा। मैं भी ऐसे ही बैग यूज करती हूँ, और टेनी के लिए भी, बट ये मैं टेनी के लिए रख दूंगी, लाइक जब वो 6-7 ईयर्स की हो जाएगी तब उसको यूज़ करने दूंगी। लाइक थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी टेनी, तब 6-7 या 8 टाइम की रखे रहती हूँ गिफ्ट। मैं रखे रख संभाल के रखती हूँ चीज़ों को, मैं ऐसे नहीं है कि बस आया यूज किया फेंक दूँ, नहीं ऐसा नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें मैं रख दूंगी उसकी उठा के। ओके, अच्छा कुछ लोगों ने पैसे दिए थे, लाइक जैसे कि मेरे नेबर में रहते हैं, उसने पैसे दिए थे, कोई गिफ्ट लेने नहीं जा पाया। एंड मेरे जो टेनी के दादा दादी बाबा हैं, दादा बाबी क्या कह रही हूँ, बाबा दादी हैं, तो उन लोगों ने भी उसको पैसे दिए थे, बोले थे आप कपड़े खरीदना है कपड़े खरीद लेना, जो मन चाहे वो खरीद लेना। क्योंकि कपड़े टेनी थोड़ा अलग, मतलब वो बोलते हैं कि आजकल हम लोगों की पसंद अलग है, बच्चे अलग पहनाते हो तुम लोग, तो बोले अपने पसंद के खरीद लेना, पैसे दे दे। ओके, तो मैं जो मेन मेन गिफ्ट मतलब दिखा दे रही हूँ आपको, मेन मेन क्या साड़ी, मेन मेन चलेगा थोड़ा सा। ओके, तो एक ये पजल है, ठीक है, ये है मैजिकल फेरी टेल का पजल है, एक्टिविटी पजल किट। एक ये है, एंड एक ये सिर्फ बोर्ड है, इसके टॉय टेनी निकाल के खेलती रहती है। तो ये जो भी छोटे 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 छोटा ये सारा आइटम इतना छोटा छोटा है, जिससे टेनी इसी से खेलती है, वो इसी से उसको इसी से खेलना बहुत पसंद है, तो इससे वो खेलती है।
एंड ये तो ये दिया था शिखा ने, दोनों दिए थे ये, मैंने बॉक्स दिखा दिया आपको। एंड एक गिफ्ट मिला उसको ये नीचे में रहती हैं दीदी, उन्होंने दिया था। तो इसमें एक दो टू इयररिंग है एंड यहाँ पे जो लगाते हैं क्या बोलते हैं ताज वही हेड वाला, और डॉल की 8 ड्रेसेस है, डॉल है, उसका नेकलेस है। तो ये सारी पूरी एक ये पूरा सेट है, तो ये एक उसको मिला है। एंड ओके ये मिला है, तो मैं दिखाती हूँ। ये है गिफ्ट, पूरा पूनम दी की तरफ से आ गया था ये इन एडवांस, तो ये पूनम दीदी ने दिए हैं। इसमें बहुत सारे कपड़े एंड पूनम दी का केक था, जो मैंने 3 केक कट किए थे, पेपा पिक का मैंने बनाया था, एक जो डार्क चॉकलेट में था वो पूनम जी ने बनाया था, और जिसमें जेम्स की गोली थी वो शिखा बना के लाई थी। एंड तीनों केक के टेस्ट ऑसम थे, ऑसम लाइक बहुत अच्छे थे। शिखा ने घर पे बनाया था, बहुत अच्छा केक था उसका भी। तो ये है पूनम की ड्रेसेस जो उन्होंने भेजी हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत मज़ेदार है कि मेरी बेटी अभी नहीं पहनेगी, आगे पहनेगी। लाइक वो एक के जैसे मैंने टॉय आगे तक रखूंगी ना उसके, ऐसे ही दीदी कपड़े रखूंगी। दीदी ने उसके हिसाब से कपड़े भेजे दुकान, मतलब दीदी ने बोला कि मैंने तो शॉप वाले को भी बोला कि भैया इतनी बड़ी बच्ची है, फोटो भी दिखाया, लेकिन क्या है ना टूबी ना फोन में बड़ी दिखती है बट उतनी बड़ी है नहीं है। तो उन्होंने जो कपड़े भेजे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट ड्रेसेस हैं। जैसे कि एक और 5 जोड़ी कपड़े भेजे उन्होंने, बिलीव भी मानोगे आप लोग। ठीक है, 1 ये हो गया, 2nd यही है, और ये अच्छा है पहने को, जब तक अभी तो जैसे छोटी है तो इतना याद रहे ना रहे, लेकिन अब वो जब पहनेगी लाइक उसको ये 2 ईयर बाद ही कंफर्टेबल आएंगे, मुझे कंफर्म पता है। ये उसको 4 ईयर में भी आएंगे, ये उसको 5 ईयर में कंफर्टेबल आएंगे, मुझे ऐसा अच्छे से पता है। तो ये 2 हो गए, एक थोड़ा सा मेहंदी कलर में, एक डार्क ब्लू कलर में, ठीक है। और एक ये टी शर्ट है, टी शर्ट पूरी खोलने का कहीं ऐसी है ये चेन, ठीक। एंड पैंट खोल लिया, टी शर्ट ये देखिए ये ट्रूबी के सबसे थोड़े से बड़े, और यहाँ पे ये जो दिया है ना क्यूट सा, तो ये 5-6 ईयर की ट्रूबी हो जाएगी तब पहनेगी। तो इन दीदी के भी जो भी ड्रेसेस हैं लाइक जो आने वाली हैं, मतलब आ जाएंगी उसको अभी तो पहना दूंगी, जैसे कि पैंट तो उसकी, मतलब शॉर्ट्स तो एक भी नहीं आने वाली अभी, 4 शॉर्ट्स, 1 टी शर्ट, 5वां ये टी शर्ट, मतलब 4 शॉर्ट, 1 टी शर्ट, 2nd टी शर्ट, 3rd एंड 4th। तो जो ब्लू वाली टी शर्ट है वो, और रेड आई थिंक नहीं आएगी, जहाँ तक ये आ जाएगी ये नेक्स्ट ईयर तक आ पाएगी उसको, और ये भी समथिंग नेक्स्ट ईयर तक ही आएगी उसको, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। पहले इस पर लिखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार, सो इसमें से आएंगी 2, मैंने देखा है उसकी थोड़ी सी बड़ी है लाइक, मतलब नी तक पहुँच रही है उसको, तो ये नेक्स्ट ईयर तक ये आ जाएंगी, बाकी की वो 5-6 ईयर की होगी तब तक आएंगी। एंड थोड़े से बड़े हैं बट कोई बात नहीं, दीदी की सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, 4 जोड़ी है। एंड ये 5th, ये भी थ्रूबी को बर्थडे के दिन मुझे पहनाना था लेकिन नहीं आया उसको, बड़ा है बट ये नेक्स्ट ईयर तक उसको आ जाएगा, या देखते हैं कब आएगा। उसके लिए गाउन हो जाएगा एक तरीके से, जैसे अपन लोग गाउन पहनते हैं उस तरीके से, लेकिन ये बहुत ही प्यारा कलर है, मैंने इससे पहले ऐसा कलर नहीं पहनाया था। एंड थैंक यू सो मच पूनम दी, आपके गिफ्ट अच्छे हैं, सबके ही गिफ्ट बहुत 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 अच्छे हैं, एंड कोई भी बात का बुरा लगे आई एम रियली सॉरी, बट सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं, बस यही मैं पहना नहीं पाऊंगी क्योंकि वो बहुत छोटी सी है, उस दिखने में ही लगती है। ओके ये है चूबी की नानी नाना मौसी मामा सबकी तरफ से मिला के एक गिफ्ट, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ओ सॉरी हाँ दे दूंगी, अगर आप चाहते हैं खरीदना तो खरीद सकते हैं। ये मुझे पता था पहले से चूबी के लिए ये आ रहा है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी भेजा जाए तो मुझसे पूछा जाता है क्या आ रहा है क्या है। तो यहाँ पे है ये किचन सेट, मैं इसको जोड़ के तो नहीं दिखा सकती हूँ लेकिन आपको इस तरीके से दिखा सकती हूँ, ये है एक पूरा किचन, देख सकते हैं आप लोग पूरा किचन है।
इसमें सारी चीज़ें हैं। अगर मैं खोल पाऊँ तो मैं नहीं खोल पाऊँगी, अगर मैंने खोला तो मैं लगा नहीं पाऊँगी। तो ये वीडियो आप जब देख रहे हैं, और इसमें पता है नोब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जो गैस रहेगी ना, जब गैस को ऑन करेंगे तो उसमें लाइट भी चलेगा, इसमें दिखाया हुआ है। और आप भी अगर अपनी बच्ची के लिए मंगाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं गिफ्ट करना चाहें, अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा एंड बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसमें एक हॉट पॉट, स्पैचुला, सॉस बोटल, मग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नीचे वो ओवन जो होता है वो है, तो और ये सूटकेस टाइप हो जाता है, तो बच्चे खेल भी लेते हैं इससे आराम से। सूटकेस टाइप बंद हो जाता है, कैसे दिखा रही हूँ, बंद भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है इस तरीके से पार्ट्स जोड़ के। तो ये टेक्निका मैं मुझे ये बताइएगा आप लोग कि मैं इसको ओपन करके टेनी को भी खेलने दूं कि नहीं, क्योंकि एक मन करता है दे देती हूँ खेलने को, क्योंकि वो क्या करती है ना, जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसके आगे रख के खेलती है, तो मैं सोच रही हूँ उसको खोल के दे दूंगी यार, अभी नहीं, बच्चे का खेलने का उम्र है इससे, तो खेल ही लेगी। तो ये सबके गिफ्ट हो गए, मेरे दो गिफ्ट थे, अब मेरे लास्ट एंड थर्ड गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये मेरा गिफ्ट है, उसका फेवरेट पेपा पिग बैग, और इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारी। तो इसमें 1 2 3 4 जिप हैं पूरी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इसके भीतर है कई सारी चीज़ें, मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले ये फॉक का सेट, जिसमें मम्मी पिग, पापा पिग, जॉर्ज एंड पापा पिग चारों लोग हैं, देख सकते हैं। ये पापा पिग, मम्मी पिग गिर गई, जॉर्ज, पापा पिग और मम्मी पिग तो नीचे गिर गई है। तो ये है सेट पूरा। एंड सेकेंड थिंग, इसके अंदर है एक बॉटल, मैंने इन्हीं चीज़ों की वजह से मंगाया। अब ये भी चीज़ ये मैं उसको अभी कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वो निकालूंगी तो छोटा वाला उसका पेपा पिग का और जॉर्ज का, मतलब जॉर्ज और पेपा पिग का स्पून, और ये निकालूंगी क्योंकि अभी वो छोटी है तो इससे काम चल जाएगा, बड़े वाले रख दूंगी मैं उसके अभी। और एक ये बॉटल है, ये भी पेपा पिग और जॉर्ज का है, ठीक है। ये इस तरीके से ओपन होता है पूरा, अंदर से स्टील, मतलब गरम वाला, ठंडे वाला, वो वाला सिस्टम है, और ऐसे लॉक हो जाएगा, और ये यहाँ से फिर, तो ये इस तरीके से स्टील का बॉटल। एंड एक बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, तो जिसको अभी लगेगा नहीं, तो पेपा पिक ट्रूबी का फेवरेट कार्टून है, और इसके अंदर भी दो पेन, एक पेन एक पेंसिल है, ये पेन है, हाँ ये पेन है, और ये पेंसिल है डैडी पिक का, कितने क्यूट से डैडी पिक है ना, इस तरीके से। और ये वो क्ले नहीं होती है, क्ले, सुपर क्ले, जिससे ना ये देखिए, इससे ना हम रख देंगे और नाइफ से कट कर दो, तो बच्चों की खेलने की होती है क्ले, तो ये वो है, ये सब इसी के साथ आया है। एक छोटा सा डायरी और पेन है, एंड सबसे मोस्ट क्यूट ट्रॉली बैग, और इसके अंदर है इरेजर, ये देखिए, ये सब अभी दूंगी ट्रूबी का तो तोड़ देगी, तो इसके अंदर 2 इरेजर्स हैं, बहुत क्यूट है, ये सब मैं रखूंगी उसका अभी नहीं, तो ये नहीं दूंगी। और ये है स्लाइम, इसमें भी अंदर पापा पिग है, इधर नहीं, इसमें जॉर्ज पिग है, जॉर्ज, ये मुझे बड़ी मस्त क्यूट लगती है। एंड इसमें कलर है, बस ये कलर एक आया, ये पेपा पिक के आने, तो ये मिक्की माउस के आ गए हैं यहाँ पे। ये मैंने एक अलग ही वेबसाइट से मंगाए हैं, वेबसाइट लाइक जैसे सेल जो चल सब लोग कर रहे हैं ना, तो ऐसे व्हाट्सएप है। एंड मोस्ट मास्क, मम्मी पिक, जॉर्ज पिक, जॉर्ज, पेपा पिक एंड श्रुबी के लिए मास्क, तो मास्क वो अभी यूज़ करेगी, तो मैं जो यूज़ करना है वो निकाल दूंगी।
तो ये सारी चीजें हो गई एंड थैंक यू सो मच जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनका गिफ्ट मैंने दिखाया बहुत अच्छे थे, सबके गिफ्ट बहुत बहुत अच्छे पसंद आए। और आप लोग मुझे बताना, वैसे मेरा मन तो है इसको मैं किचन सेट को निकाल दूंगी मम्मी वाले को ताकि वो खेल सके, इससे वो खेलती है। एंड बाकी के जैसे कि ये छोटा वाला टॉय इसको भी उसने ओपन ही कर दिया, ये निकाल दूंगी। क्लॉक और ये लाइट, लाइट को मैं रख दूंगी अभी, उसके कोई काम का नहीं है। जब हम घर अपना पूरा अच्छे से करेंगे, प्रॉपर ट्रूबी का रूम बनवाएंगे तब निकालूंगी ये सारी चीज़ें। तो जो चीज़ जैसे ये क्रेयॉन्स है नहीं निकालूंगी, उसको अभी ज़रूरत नहीं है, इनका इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है, इसमें से जो चीज़ ज़रूरत है मैं बस वही निकालूंगी, बाकी सब मैं रख दूंगी। जैसे एक प्ले, इसको वैसे तो वो खेलेगी लेकिन कोई पता नहीं होता बच्चों का। इसमें नाइफ दिया है, स्ट्रॉ दिया है खेलने के लिए, कट करने के लिए, ये 12 कलर के प्ले, ये मुझे उसको तो कम मैं खुद ही के लिए मेन चीज़ है। सो कैसे लगे ट्रूबी के गिफ्ट्स एंड सबके गिफ्ट्स कैसे लगे, नए जो दिए वो गिफ्ट्स कैसे लगे, और हमारी ट्रूबी का बर्थडे ब्लॉग तो सबको बहुत पसंद आया था एंड पापा पिक कैसा लगा तो बताना ज़रूर। ओके सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड नाइट। सो मैं बात कर रही हूँ मैनुअल कप के बारे में। आई नो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, और जो लोग न्यू हैं वो, उन लोगों को नहीं पता है तो वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। मैंने कुछ इनके मतलब पूरा एक वीडियो भी किया हुआ है सिर्फ मैनुअल कप के बारे में। तो मैनुअल कप को अगर आप लोग नहीं जानते हो या आप नहीं मालूम है तो पिक देख सकते हो आप, जो ये दिख रहा है ये है मैनुअल कप, ये हमारे पीरियड्स में काम आता है और ये हमारे पैड्स का खर्चा बचाता है, राइट। और जो इन्फेक्शन पैड्स से होते हैं ये उनसे भी हमें बचाता है कि पैड से जो खर्चे तो होता ही होता है, क्योंकि एक साल में कितना खर्च होता है मुझे खुद भी नहीं पता है, बट अगर हम देखें एक तरीके से काउंट करें तो जितना एक साल में हमारा पैड खर्च होता है उससे कम मैनुअल कप आता है, और एक मैनुअल कप पूरा 10 ईयर तक चलता है। सो अगर आपको परचेज करना है या इसके बारे में पूरी डिटेलिंग जाननी है तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, लिंक बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।